हरियाणा H9PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। अब खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत ने बढ़ाया हमारा सम्मान, द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया। राष्ट्रीय CBSE जूडो प्रतियोगिता जो कि सोनीपत में दिनांक 7 से 11 जनवरी 2023 को आयोजित हुई, जिसमें प्रताप स्कूल खरखुदा के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण पदक जीतते हुए प्रतियोगिता में लड़कों की चैंपियनशिप अपने नाम की। पदक विजेता खिलाड़ियों में प्रिंस ने अंडर 17 आयु वर्ग में 50 किलोग्राम, जति ने 66 व हर्ष फोगाट ने अंडर 19 में 55 किलोग्राम में स्वर्ण पदक प्राप्त कर हरियाणा राज्य सोनीपत जिले ब्लॉक खरखुदा प्रताप स्कूल खरखुदा में अपने माता पिता का नाम रोशन किया। पदक विजेता खिलाड़ियों का विद्यालय प्रांगण में द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया, खेल निदेशक प्रताप स्कूल खरखुदा, प्राचार्य धर्म प्रकाश आर्य, डॉक्टर सुबोध दहिया, राजकुमार रोहना व जूडो कोच मोहित पवार व रोहित ने फूल माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। सभी ने खिलाड़ियों को जीतने पर बधाई दी तथा भविष्य में भी अच्छा प्रदर्शन कर देश व प्रदेश का नाम रोशन करने का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया ने कहा कि खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत कर पदक प्राप्त करके हम सभी का मान सम्मान बढ़ाया है। इस अवसर पर राजकुमार रोहना ने स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को 500 रुपये देकर उनका उत्साहवर्धन किया। जूडो कोच मोहित पवार ने बताया कि जतिन व प्रिंस इससे पहले भी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं। हर रोज की तरह जैसे पिछले महीने यहाँ बॉक्सिंग का CBSE नेशनल हुआ, उसमें प्रताप स्कूल की टीम फर्स्ट थी, और 4 दिन से जो इंडियन पब्लिक स्कूल सोनीपत है उसमें जूडो का CBSE नेशनल चला हुआ था। प्रताप स्कूल के विद्यार्थियों ने वहाँ भी जा कर के प्रथम स्थान पाया है। ये सब का सब यहाँ प्रताप स्कूल की कोचिंग व्यवस्था और खेल व्यवस्था, खेल उपकरण और यहाँ का खान पीने का ये उनका परिणाम है, और इस प्रकार से हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे स्कूल के बच्चे विदेशों में भी जा कर के भारत का तिरंगा लहरा करके मान सम्मान गौरव बढ़ाते हैं। मैं ओम प्रकाश दहिया द्रोणाचार्य अवार्डी इन बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद शुभकामनाएं देता हूं। राजकीय महाविद्यालय पीपली के विद्यार्थियों ने प्राचार्य किरण सरोहा तथा वरिष्ठ प्राध्यापक गीता शर्मा की अगुवाई में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला में भाग लिया। इस कार्यशाला में प्रथम वर्ष से प्रियांशी, निशु, दिव्या, हिमानी, प्रवीण, द्वितीय वर्ष से गौरव, रिंकू, अंकित, हर्ष तथा तृतीय वर्ष से कुलवंत ने भागीदारी की। इस कार्यशाला में महाविद्यालय की प्रथम वर्ष की 2 छात्राओं निशु और दिव्या को विश्वविद्यालय की तरफ से एम्बेसडर चुना गया। यह महाविद्यालय के लिए बड़े ही गौरव का विषय है। प्राचार्य ने छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए बधाई दी तथा अन्य छात्राओं को भी इस तरह की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कन्या महाविद्यालय में वीरवार को NSS इकाई 1 और 2 राष्ट्र द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महिला महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर योगिता मलिक द्वारा किया गया। उन्होंने स्वयं सेवकाओं को बताया कि यह दिन राष्ट्र के ऐसे युवाओं को समर्पित है जो भारत को बेहतर भविष्य देने की क्षमता रखते हैं और इसके लिए कार्य करते हैं। विश्व में भारतीय संस्कृति को स्थापित करने वाले महान आध्यात्मिक गुरु, समाज सुधारक और युवाओं को प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती पर नमन करते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 की प्रभारी डॉक्टर प्रमिला ने स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़े रोचक और प्रेरणादायक बातें स्वयं सेविकाओं के साथ साझा की। उन्होंने बताया, जैसा तुम सोचो कि वैसा ही बनोगे, खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। सभी युवा स्वामी विवेकानंद की बातों से प्रेरणा लेकर एक नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें। इस अवसर पर युवा शक्ति देश का भविष्य विषय पर दोनों इकाइयों द्वारा स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया, जिसमें नारा लेखन में प्रथम कुसुम, कीर्ति द्वितीय, निशा नीतू और तृतीय स्थान पर पारुल, स्वाति, प्रियंका व सुचिता रही। प्रतियोगिता में विजेता स्वयं सेविकाओं को पुरस्कृत किया गया। यूनिट 2 प्रभारी डॉक्टर सुमन द्वारा सभी स्टाफ सदस्यों और स्वयं सेविकाओं को भविष्य में राष्ट्र निर्माण के सुनहरे भविष्य की कामना की। खरखुदा नगर पालिका कार्यालय में बृहस्पतिवार को स्ट्रीट वेंडर ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के फर्ड रेहड़ी वालों को उन्हें लेकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से अवगत कराते हुए उनका लाभ उठाने को कहा गया। इसके साथ ही हिदायत दी गई कि वह सफाई का विशेष ध्यान रखे और बैन हो चुकी पॉलीथीन का प्रयोग न करें। खरखुदा नगर पालिका कार्यालय में बृहस्पतिवार को सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर राजेश खाद्यान्न ने फट रेहड़ी वालों को ट्रेनिंग देते हुए कहा कि सरकार की ओर से उनके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिनका लाभ उठाकर वह अपने काम को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित फट रेहड़ी वाले हुए थे, ऐसे में जरूरी है कि वह सरकार की ओर से उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाएं।
जिसमें काम बढ़ाने के साथ ही ऋण सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही फट रेडी वालों को स्थान निर्धारित कर वहां स्थापित किया जाएगा ताकि उनके लिए सुविधाएं भी मुहैया कराई जा सके, जिसमें शौचालय, पानी, प्रकाश की सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन में भी सहयोग देने को कहा। इस दौरान फट रेडी वालों को गंदगी न फैलाने और अतिक्रमण न करने की शपथ दिलाई गई। मेरा नाम राकेश काजल, मैं सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर एवं नोडल इंचार्ज। स्ट्रीट वेंडर्स की जो रेडी फड़ी वाले हैं उनको हम प्रशिक्षण दे रहे हैं कि कैसे उनको अपना सफाई की व्यवस्था रखनी है, कैसे उनके अधिकार हैं। जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट है उस एक्ट के तहत इनको सरकार की तरफ से आगे मार्केट जोन्स बना के उसमें जगह भी मुहैया कराई जाएगी जहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन शुल्क भी लिया जाएगा। दूसरा, इनको सरकार की जो स्कीम है जिसमें लोन की है, पीएम स्वनिधि स्कीम है जिसमें 10,000 का लोन मिलेगा, 20,000 का, 50,000 का, सरकार की तरफ से कितनी ब्याज की छूट है, केंद्र सरकार की तरफ से कितनी है, वह फूड लाइसेंस कैसे बनवाना है, इन सभी जानकारी को इनके साथ शेयर किया जा रहा है। और इनको बताया जा रहा है कि कल को सिंगल यूज प्लास्टिक भी बैन हो चुका है तो आपको पोलोथीन वगैरह का यूज़ नहीं करना है, कैसे थैले का अपना वापस से उस हमारे पुराने ट्रेंड को लेके आना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का पता चल सके। और स्ट्रीट वेंडर जो है वो हमारे जो ज़्यादा प्रभावित वर्ग रहा था कोरोना के समय में, वो कैसे अब अपने आप को अन्य स्कीमों के साथ जोड़ के भी अपने परिवार को भी कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इसीलिए ये प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। यहाँ पे 170 से करीब लोग आए हुए हैं और भी आने की संभावना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का पता चल सके। देखिए, जो हाउस की मीटिंग होगी नगर पालिका की, उस हाउस की मीटिंग में हम टाउन वेंडिंग कमेटी जो है इनकी पहले टेम्परेरी बनी हुई है, उस टाउन वेंडिंग कमेटी में जो भी जगह इन्होंने चिन्हित की है उस जगह पे ही DIP बनता है, डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन प्लान, जिसके तहत कि कितने लोगों को वहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा, उनका फिर डिटेल्ड एस्टिमेट्स बन के ही फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें इनको बेसिक अमेनिटीज़ के साथ जैसे कि लाइट की व्यवस्था होगी, टॉयलेट की व्यवस्था होगी जहाँ पे भी वो बनेगा, साफ सफाई सुबह शाम होगी ताकि किसी भी तरीके का कोई भी गंदगी वगैरह ना हो सके। चंडीगढ़, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा को मिली जबरदस्त कामयाबी, लाखों की तादाद में शामिल हुए लोग। हर वर्ग के लोगों से राहुल गांधी ने की मुलाकात। किसान, मजदूर, कर्मचारी, पूर्व सैनिक, युवा, बेरोजगार, विद्यार्थी, सफाई कर्मी, चौकीदार और सरपंचों समेत कई प्रतिनिधि मंडल राहुल गांधी से मिले। हरियाणा में दोमुही सरकार चल रही इस सरकार ने 3 गुना महंगाई, 4 गुना कर्जा, 5 गुना अपराध और 6 गुना भ्रष्टाचार बढ़ाया। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने खत्म की सरपंचों की पावर। ई टेंडरिंग के जरिए सरपंचों को किया जा रहा है दरकिनार। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सड़कों की खस्ता हालत का सामना करना पड़ा। पूरे हरियाणा में राज्य सरकार की सड़कों की खस्ता हालत। खेल मंत्री को नैतिकता के आधार पर देना चाहिए इस्तीफा। जब तक इस्तीफा नहीं देते निष्पक्ष जांच संभव नहीं। कांग्रेस सरकार के दौरान जब मंत्रियों पर कई आरोप लगे तो उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। मामले को दबाने के लिए बनाई जाती है मौजूदा सरकार में SIT। किसी भी मामले में SIT की जांच सिरे नहीं चढ़ी। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। AP गर्ल पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा, स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट TV, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफर नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। चिल्ड्रन हॉस्पिटल सोनीपत, NCR का विश्वसनीय एवं हार्ट अटैक OT से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित चिल्ड्रन हॉस्पिटल विवेकानंद चौक सोनीपत। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।